Assalamu alaikum dear students, I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School. Today we will learn about housing and clothing. Housing and clothing, our house, we all need house to live in. Our house keeps us safe from heat, cold, wind and rain. It also keeps us safe from animals and thieves. जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि हमें रहने के लिए और हमारी हिफाजत के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. उस घर से हमें जिन चीज़ों के ज़रिए हमें प्रोटेक्शन हासिल होती है वो ये हैं. नंबर वन, आवर हाउस प्रोटेक्ट हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स. हीट गर्मी, हमें तेज़ धूप हमें इससे बचाती है, और इसी तरह कोल्ड सर्दियाँ हमें घर उससे महफूज रखता है. इसी तरह विंड पे आइए, हवाएं, तेज़ हवाएं हमें घर में महफूज रखती हैं. रेन, बारिश हमें हमारे घर में हमें महफूज रखती है, हमारे ऊपर हर तरह से हमारी हिफाजत रहती है. इसी तरह एनिमल्स पे आइए, तो एनिमल्स से हम सेफ़ रहते हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते. मुख्तलिफ़ किस्म के डेंजरस एनिमल्स, फ़र्ज़ कीजिए स्नैक्स, टाइगर्स, डॉग्स, ये अटैक नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. थर्ड वन आइए लास्ट, थीव्स, चोर भी हमें घर, हमें इन चीज़ों से भी हिफाजत मुहैया करता है. ये तमाम चीज़ें हमें एक घर मुहैया करता है. आवर हाउस हैज़ टू स्ट्रॉन्ग टू गिव अस प्रोटेक्शन. इट शुड हैव फर्म बेस ऑन फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड रूफ्स. एक घर हमें एक मज़बूत बुनियाद के साथ, उसकी छत, उसकी दीवारें, ये तमाम चीज़ें एक प्रोटेक्शन दे रही होती हैं. हमारा घर, इसके साथ हाउस आर बिल्ड विद, हमारा घर जिन चीज़ों से बना होता है उसमें ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट, स्टील, वुड, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं. देखिए, हाउस बिल्ड विद ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, स्टील, दे आर आल्सो मेड ऑफ वुड. दे द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ हाउस आर यूजली मेड ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स एंड प्लास्टर्ड विद सीमेंट एंड पेंट्स. हमारा घर और इसकी दीवारें, हाँ, यूजली आमतौर पर सीमेंट और पत्थर की बनी हुई होती हैं. द डोर्स एंड विंडोज़ आर मेड ऑफ वुड. ज़्यादातर घर की खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं लकड़ी के बने होते हैं. ग्लास और मेटल्स के भी बने होते हैं. ग्लास हेल्प टू लेट सनलाइट इन. सूरज की रोशनी को, ये ग्लास जो है हम यूज़ करते हैं, तो वो इस रोशनी को अंदर आने में मददगार साबित होता है. फ्लोर्स आर मेड ऑफ सीमेंट, मार्बल, टाइल्स और वुड. इसी तरह ये जो हमारी फर्श हैं वो सीमेंट और मार्बल्स और टाइल्स से, और बाज़ जगहों पर दूसरे ममालिक में वुड के भी बने होते हैं. हाउसेज आर ऑल्सो मेड ऑफ लुक ब्यूटीफुल विद कलरफुल टाइल्स एंड पेंट्स. घर बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ टाइल्स भी लगाई जाती हैं. इसी तरह ये हम हाउसिंग के साथ हम पढ़ रहे हैं क्लोथिंग में हम देखते हैं क्लोथिंग हमें क्या प्रोटेक्शन देते हैं, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लोथिंग्स को. वी वेयर क्लोथिंग टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, विंड, रेन, कोल्ड एंड डस्ट. एक जो हम कपड़े पहन रहे हैं वो हमें किस किस चीज़ से हिफाजत कर रहे हैं, किस किस चीज़ से हिफाजत मुहैया कर रहे हैं. सूरज की रोशनी से, हवा से, बारिश से, सर्दी से. सर्दी में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी में हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, बारिश से भी बचाते हैं ये हमें, और डस्ट हमारे जिस्म पे डस्ट भी नहीं पड़ने देते. दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. जब हमने कपड़े कवर किए होते हैं हमारे जिस्म को, तो फिर हमें मच्छर भी नहीं काट सकते और कोई कीड़े मकोड़े हमारे जिस्म को नहीं काट सकते. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. लॉन्ग अगो पीपल वर क्लोथ्स मेड फ्रॉम लीव्स और एनिमल स्किन्स. टुडे वी वर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, प्लास्टिक्स एंड रबर्स. पिछले वक्तों में लोग जो है वो पत्तों के घर जो ये लिबास है उसको पत्तों का इस्तेमाल करते थे, और अब ज़माना जदीद आ गया है तो हम अपने लिबास का ख्याल रखते हैं. ये लिबास मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है जिसमें वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. फाइबर्स की भी टू टाइप्स, एक थिन थ्रेड और फाइबर्स जो हैं वो देखिए आप. फाइबर्स क्लोथ्स आर यूजली मेड फ्राम थ्रेड्स. टू मेक थ्रेड्स वी यूज़ वेरी थिन थ्रेड लाइक मटीरियल्स कॉल्ड फाइबर्स. दीज फाइबर्स आर फर्स्ट स्पन इन टू यॉर्न और थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेंडल और स्पेनिंग व्हील्स.
ये जो रेशे जो हैं किस किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, इसमें दो किस्म की, एक खड्डी भी यहाँ देखें तो आप बुक के अंदर, यहाँ पर देखिए स्पिनिंग स्पेंडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं इन धागों को बनाने के लिए, स्पिनिंग व्हील्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिसे चरखा कहा जाता है, और इसके अलावा हैंड लूम्स भी इस्तेमाल की जाती हैं जो खड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी जहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट हम पढ़ते हैं फाइबर्स के बारे में, फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं। नेचुरल फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर्स हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं वो हमें नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, और जो फैक्ट्रीज बनाती हैं इनको दूसरे तरीके से, इन धागों को इस्तेमाल करके, इनमें दूसरे केमिकल्स भी शामिल करके, तो वो दूसरे जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। सिंथेटिक, अब देखिए नेचुरल फाइबर की आपको एग्जांपल देते हैं, नेचुरल फाइबर में आइए, नेचुरल फाइबर में हमारे पास कॉटन, जूट, वूल और सिल्क शामिल है। ठीक है, इसी तरह ये लिबास हम पहनते हैं जो कॉटन का बना होता है, जूट का भी बना होता है खड़ियों पर, और वूल का भी बना होता है गर्म ऊन का भी, और सिल्क का भी बना होता है, रेशमी लिबास भी होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लिबास हम अपने जिस्म पर पहनते हैं, ये हम इस्तेमाल में लाते हैं। इसी तरह सिंथेटिक फाइबर में आइए, सिंथेटिक फाइबर में यानी मिलावट की जाती है रेशे के अंदर दूसरी केमिकल्स की, तो वो ये रेशे तैयार होकर सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। सिंथेटिक फाइबर में आइए, नायलॉन, टायरलीन, रेयन और पॉलिस्टर जिसे हम कहते हैं पॉलिस्टर जो है वो आप देखा, अमूमन हम पॉलिस्टर को अपने घरों के तकियों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। पॉलिस्टर्स को यानी ये फूल जाता है जब इन धागों को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये फूल जाता है। टायलिन और नायलॉन ये जब इन लिबासों में इस्तेमाल होते हैं तो ये सिल्क के लिबास हैं जो कि इस्तेमाल में आते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। केयर ऑफ क्लोथ्स, केयर ऑफ क्लोथ्स किससे कर सकते हैं हम, अ गुड सोप और डिटर्जेंट शुड बी यूज टू वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स शुड बी रिंस प्रॉपरली टू रिमूव द सोप। एक अच्छे क्लोथ्स जो हम पहनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी केयर हम किससे करेंगे, अच्छे डिटर्जेंट को इस्तेमाल करके हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं शुड नॉट बी स्क्वीज्ड आफ्टर रिंसिंग। सिंथेटिक क्लोथ्स जो है वो आप उनको ज़्यादा निचोड़ते नहीं हैं, उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उनको कम निचोड़ा जाता है। वुलन क्लोथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। गर्म कपड़े सिर्फ आपको पता है सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में अदरवाइज़ हम उन कपड़ों को नहीं इस्तेमाल कर सकते। वुलन क्लोथ्स शुड बी केप्ट आउट इन द सन आफ्टर द विंटर इन ओवर, देन दे कैन बी पैक्ड अलोंग विद नीम लीव्स और मोथ बॉल्स। हमारे घरों में आपको पता है नीम के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, नीम के पत्ते हम इन कपड़ों के अंदर रख देते हैं तो उनसे क्या होता है कि ये जो है वो महफूज रहते हैं, कीड़ा नहीं लगता इन्हें और ये महफूज रहते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन क्लोथ्स, वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स मेक अस लुक शेबी, दे आल्सो स्मेल बेस्ड, डर्टी क्लोथ्स कैन कॉज स्किन डिजीजेज, वी शुड नॉट लैंड और बोरो क्लोथ्स। इन्फेक्शन वन पर्सन कैन बी पास ऑन एन अदर पर्सन बाय शेयरिंग क्लोथ्स। अगर हम गंदे कपड़े इसी तरह उतार के वो उन कपड़ों को कोई नेक्स्ट पर्सन यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा कि इंसेक्ट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि क्लोथ्स जो है वो वॉश करके यूज़ किए जाएँ, नीट एंड क्लीन यूज़ किए जाएँ। देन वी एंड आवर चैप्टर, इंशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को पढ़ा होगा और समझा होगा।